नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से नगीना आ पहुंची है। नगीना लोकसभा सीट है और यहां का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प पूर्ण है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है, आप देखते हैं हमेशा मेरा देश मेरी सरकार कब बनेगा सपनों का देश। इस देश में बहुत सारे लोगों के अपने सपने हैं, उस सपने आखिर कब पूरे होंगे, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही शानदार सुशील पढ़े लिखे सुसज्जित प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट हैं। आपकी चर्चाएं हर जगह लगातार होती रहती हैं। जिस तरीके से सुबह से लेकर के शाम तक जो एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने जानने की कोशिश की, उसने कहीं ना कहीं बहन जी का जो वोटर है वो इस बार सदा हुआ दिखता नजर आ रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत में। थैंक यू। क्या लग रहा है सर, बहन जी ने ऐसा क्या समझा जो आपको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया? पहले तो मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर सबको बधाई देता हूँ। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तो अनुमान भी नहीं था कि बहन जी मुझे यहाँ भेज देंगी, क्योंकि वो अपने हर जो उनका वर्कर है उसको ग्राउंड रूट पर देखती हैं और वो बिना बताए ही आशीर्वाद दे देती हैं, तो उस वही आशीर्वाद मुझे मिल गया। जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। बीजेपी पार्टी की नीतियों से देश त्रस्त हो चुका है। किसान भी सड़कों पर है, महंगाई बहुत जोरों पर है, बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। जो आशाएं जनता की थी वो बीजेपी पूरी नहीं कर पाई है। इसलिए ये मुद्दे मुख्य रूप से ये रहेगा कि भारत के संविधान को बचाना, हमारे दलित शोषित समाज अकलियतों के जो पिछड़ों का जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं, और उनको पहला मुद्दा सबसे ये है कि संविधान को उन्हें बचाना है, ये देखना है। तो क्या लग रहा है, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, 400 पार अगर अब की बार मोदी जी ने की तो निश्चित रूप से देश का संविधान बदलेंगे और मनुवादी संविधान इस देश को मिलेगा, जिससे देश की जनता त्रस्त हो जाएगी। क्या लग रहा है, मैं जैसे कि देख रहा हूँ नगीना में, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? भाजपा की डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन मैं जब निकला तो मैं एक दो हाईवे से जब मैं गुजर रहा था तो मैंने वहां के जो रास्ते देखे वो बहुत ही खंडर खराब, टूटे फूटे, मिट्टी मतलब बहुत ही, तो लग नहीं रहा, बल्कि वादा करते हैं कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैंने सड़कें बहुत अच्छी बना दी हैं, लोगों को 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने का वादा किया था। तो क्या लग रहा है आपको, मोदी जी झूठ बोलते हैं? निश्चित रूप से, मैंने तो जो यहाँ घूमकर देखा है पूरे क्षेत्र में, यहाँ सड़क की हालत बहुत खस्ता है, रास्ते बहुत खराब है, पेयजल की भी सुविधा नहीं है, अगर टंकी लगी है तो उनमें पानी नहीं है, नल लगा है तो उसमें भी वो भी खराब पड़ा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में चिकित्सा का कोई अच्छा साधन नहीं है जिससे गरीब लोग जिनको इलाज की सुविधा मिल सके। अच्छा, जैसे कि नगीना के बारे में जब चर्चा होती है तो आजकल एक नया नाम निकल के आ रहा, चंद्रशेखर रावत आजाद जिसको कहते हैं। क्या लग रहा है, लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की और आप उनकी टक्कर है, बसपा बहुत दूर दूर तक है। ये बिल्कुल गलत है। चंद्रशेखर भाई तो बीजेपी का ही प्रोडक्ट है और वो चाहती है जो ये हमारा बीएसपी का मिशन है, मिशन मूवमेंट है, उसको समाप्त करना चाहती है। जो माननीय काशीराम साहब ने जिस आशा से बीएसपी का गठन किया और इस देश के गरीब लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को इस संविधान को बचाने के लिए और इनके अधिकारों को देने के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर उसमें रोड़ा है और उसको समाप्त करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, बीएसपी में भी नया युवा चंद्रशेखर रावत को टक्कर देने आया है, बीजेपी को टक्कर देने आया है, आकाश आनंद जिसका नाम है, बहन जी ने अपना जिम्मा आकाश आनंद को सौंप दिया है, हालांकि बहन जी भी एक्टिव है, उससे कुछ नई बीएसपी इस बार नजर आएगी? जी हाँ, आकाश आनंद एक उभरती शख्सियत है और युवाओं में जोश है और वो उसमें भविष्य का अपना नेता देख रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन ये बातें कर रही है कि नहीं इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो कैसे देखते हैं?
मुझे नहीं लगता इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि सपा जो है गठबंधन में उसके पास जो अखिलियत का हमारा समाज था वो उसकी गुमराह जो उसने को कर रखा था वो अब उसके धोखे में आने वाला नहीं है, और वो देख रहा है कि केवल बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसको हम साथ दें तो इस सरकार को बदल सकता है, केवल वही एक रास्ता है। अच्छा, जब मैं गांव में जाता हूं तो गांव में किसान आदमी ज्यादातर है, खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। गांव की एक बहुत बड़ी मूल समस्या है छुट्टा आवारा पशु, उसको लेकर के बीजेपी सरकार से बहुत परेशान है। आप भी गांव में जाते होंगे तो क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं आपके सामने? लोगों के ये जो छुट्टा आवारा पशु है लोगों के फसलों को नष्ट कर जाते हैं, किसान बेहद परेशान है। इसके अलावा भी एमएसपी का एक मुद्दा है किसानों के सामने, और वो रोज पहले भी उन्होंने लड़ा है और अब भी किसान सड़कों पर हैं, और पूरा किसान त्रस्त है और वो भी सत्ता को अब बदलना चाहता है। लेकिन बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है जब भी चुनाव आता है तो किसान सड़क पे आ जाते हैं, ये विपक्ष का मुद्दा बना दिया जाता है, हजारों किसानों की शहादत हो गई, जान गवा बैठे बेचारे, उसके बावजूद भी मोदी जी के कान में जीव तक नहीं देंगे। ये केवल भटकाने वाला, असल मुद्दों से भटकाने वाला मुद्दा है और देश को गुमराह किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तो क्या लग रहा है आपको, कितने वोटों से लगभग आपकी जीत होने वाली है? जैसे कि आप, मुझे तो पूरा विश्वास है क्योंकि हमारा जो दलित समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत मुस्तैदी से खड़ा है, वो कट नहीं रहा है बिल्कुल भी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो गुमराह अकलियत के भाई थे वो भी अब साथ आ रहे हैं और समझ गए हैं सपा की चाल को, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम नजर आ रही है। अब की बार वो बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं और बीएसपी की सरकार मुझे लगता है बनेगी, क्योंकि दोनों वर्ग मिलकर के एक एक साथ वोट करेंगे और बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ सकती है? मुझे लगता है 60 से 65 सीट निश्चित रूप से, मुझे लग रहा है कि जहां बीएसपी और बीजेपी की टक्कर है और निश्चित रूप से बीएसपी आगे है। तो समाजवादी पार्टी को आपने बिल्कुल नकार दिया है, उनकी भी सरकार रही उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव बताते हैं लोग बहुत सारा उन्होंने काम किया है, 112 का उन्होंने काम किया है, एम्बुलेंस उन्होंने चलाई है, जो पुलिस वाले आज ड्यूटी नहीं कर पाते थे उनके लिए अच्छी सुविधाएं उन्होंने दी है। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव का वोटर खिसक गया है? नहीं, वो बताया था एक ही तो वोटर है उनके पास, हमारा अखिलियत का भाई, वही अब साफ हो रहा है, वो गुमराह नहीं अब होगा। उनके साथ उनका अपना निजी वोट जो यादव है वो तो उनके साथ है नहीं, तो फिर कोई और वोटर तो शेष बचता नहीं सपा के पास, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सपा का कोई भविष्य अब है। एक आखिरी सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या लग रहा है, बीजेपी मजबूत हुई है? देश को जो चाहिए था अस्पताल, चिकित्सा सुविधा, ये तो दे नहीं रही, अब केवल राम मंदिर का मुद्दा भटकाने के लिए है जो जनता समझ चुकी है। तो आपको लग रहा है कि इस बार जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब की बार सभी लोग त्रस्त हैं और वो उनके बहकावे में आने वाले नहीं है और परिवर्तन चाहते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा, आपने हर एक सवाल का जवाब बड़े बेबाकी के साथ दिया। मोदी जी ने जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, 15 लाख अकाउंट में आएंगे जो जुमला चला था, वो इस बार की जनता अब जागरूक हो चुकी है। इस बार यहाँ की जनता कुछ बदलाव चाहती है, वो चाहती है कि जिस तरीके से मोदी जी लोगों को झूठ परोस करके अपने सीट निकाल लेते हैं, अपने झोली में वोट अपनी तरफ ला देते हैं। सर एक सवाल छूट गया मेरा है, जैसे कि ईवीएम पे हमेशा आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो क्या लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती है क्या? बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा निश्चित रूप से, हमें ऐसा लग रहा है। अब की बार तो क्योंकि आचार संहिता है मुश्किल है, लेकिन अगली बार बैलेट से चुनाव होगा, अगली बार होगा जी, इस बार पक्का। इस बार कहीं मोदी जी ने गड़बड़ करा दिया? फिर मोदी जी करा सकते हैं, लेकिन जनता जागरूक है, वो मशीन को अच्छी तरीके से टेस्ट करेगी, वीवीपैट का प्रयोग जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। ठीक है, तो इस बार जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में, मेरे साथ एक पूर्व मंत्री जी मौजूद हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या लग रहा है सर इस बार, इतने इससे पहले बसपा जो बिखर गई थी वो उसको अब आप लोगों ने कैसे संगठित किया? बसपा कभी बिखरी नहीं थी जी,
बसपा का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता, एक पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी है जिसका कार्यकर्ता समर्पित है और वो हर तरीके से बसपा को मजबूत करना जानता है, मजबूत करना चाहता है। और उसके साथ ही जैसे आकाश आनंद जी का बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया उनको, तो उससे बहुजन समाज पार्टी को एक नई एनर्जी मिली है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अधिक उत्साहित है इस समय उनके नेतृत्व में काम करने के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। एक सर आरोप हमेशा आप लोगों पे लगता है कि बहन जी जो है वो टिकट में खरीद फरोख्त का काम है। अगर कोई ने कह दे कि मुझसे लिए है तो मैं मान लूंगा, आज तक किसी ने ये तो कहा नहीं मुझसे लिए, ये कहते हैं उनसे लिए उनसे लिए उनसे लिए, तो ये तो कहे मुझसे लिए तो बात जाए, ये सब झूठे बकवास है, झूठा प्रचार है बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल पा रहे, बाहर से लोगों को ला करके आप चुनाव लड़ा रहे हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी को छोड़िए, आप जो आजाद समाज पार्टी के वो भी बाहर से, समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा वो भी बाहर के, और बहन कुमारी मायावती भी तो यहाँ बाहर की थी, चौधरी तीन प्रत्याशी विधायक एमपी यहाँ से बने, इन्हों बाहर के थे, गिरिचंद जी भी, यशवंत सिंह जी भी, तो ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग कांग्रेस में, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, कार्य काम करने के लिए समर्पित होना चाहिए, और कम से कम ये चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे जानूंगा आप लोग इनको सांसद क्यों बनाना चाहते हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं मकसूद उस्मानी, नगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। हमारे जो उम्मीदवार हैं बहुत सीधे और बढ़िया आदमी है, वकालत पड़े हुए हैं और सुलझे हुए तजर्बेकार आदमी है, यही सांसद बनने के लायक है। लेकिन आगे अच्छा मैं जब देख रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा अतीक का कांड हुआ, अभी एक और ऐसे माफिया को ये आरोप लगता है कि पॉइजन दे करके मार दिया गया अंसारी साहब को, तो क्या लग रहा है उससे मुस्लिम वोटर बसपा को अपना पार्टी मान रहा है, अपना कैंडिडेट मान रहा है, तो क्या मुस्लिम वोटर इस बार बसपा के साथ जाएगा? यकीनन जाएगा, काफी संख्या में मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को पे विश्वास कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी विश्वास कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप सभी साथी लोग मेरे साथ मौजूद थे और आप लोगों ने देखा कि इस बार मोदी जी की जो चाल है वो अब उनके जाल में यहाँ की नगीना के जनता ने ये ठान लिया है, अब इस बार वो बदलाव चाहती है और यहाँ से इस बार 19 तारीख में यहाँ पर वोटिंग है, तो देखना यही होगा कि नगीना में कौन सांसद होता है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।